नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से। आइए डालते हैं संवाददाता रिजवानुद्दीन की एक रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले की। यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के बेलवना गांव में उस समय कोहराम मच गया जब बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर उसके गांव पहुंच गया। आपको बता दें कि बीएसएफ ट्रेनिंग इंदौर 41 बटालियन में तैनात जवान विश्वकांत सिंह की अचानक 14 अगस्त को तबीयत खराब हो गई थी, जिन्हें आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन हालत में सुधार ना होने के कारण उन्हें मेडिकल कॉलेज इंदौर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक पड़ने से मौत की बात बताई। मृतक जवान अपने पीछे पत्नी नीतू सिंह के साथ दो लड़की व दो लड़कों को छोड़ गए हैं। वहीं गांव में जैसे ही मृतक जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा, वैसे ही कोहराम मच गया। वहीं इस मामले में मृतक जवान के बड़े भाई जगन्नाथ सिंह ने बताया कि मेरे छोटे भाई बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर इंदौर में तैनात था और 14 अगस्त को अचानक सीने में दर्द हो गया और इस बात की सूचना हमें शाम 5 बजे मिल गई और इलाज के दौरान मेरे छोटे भाई की मौत हो गई, जिसका पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर पूरा फतेहपुर गमगीन हो गया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। निवासी बिलौना, विश्वनाथ मेरे छोटे भाई थे। ये बीएसएफ में ट्रेनिंग सेंटर बीएसएफ इंदौर में तैनात थे। 14 अगस्त को शाम 4:30 बजे इनको चेस्ट में प्रॉब्लम हुआ और सूचना मुझे ठीक 5 बजे मिल गई। जिनका पार्थिव शरीर आज मेरे पास में पहुंच रहा है।